आपको अगर चाय वाय चाहिए। टोटल मैगी के थैले जितने भी थे फालतू चीजें हमने सारे यहाँ पे जला दिए। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत करता हूँ आपको फिर से एक नए एपिसोड में। तो भाई यहाँ से है ना हम लोग वापस जा रहे थे घर की ओर, तो एक भैया मिले अभी जब वो भी आए थे ब्लॉगिंग के लिए ही, और साथ में वो लोग है ना टेंट वेंट लेके आए थे भाई यहाँ पे रहने के लिए। और हालांकि आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो आपको 500 में टेंट यहाँ से मिल जाता है, लेकिन उन्होंने बोला कि आप इतना दूर आए हो तो यहाँ से कुछ 1.2 किलोमीटर दूर में ना कोकन कड़ा है, एक मतलब पहाड़ी है, गढ़ है, एक कोकन कड़ा करके नाम है। बोलते वहाँ के आप इतना दूर आए हो क्योंकि आप बार बार यहाँ पे तो आओगे नहीं, तो एक बार आप आए हो तो जाके वहाँ पे स्टे करके देख लो, थोड़ा सा शाम भी हो गया ज़्यादा। तो भाई यहाँ से 1.2 किलोमीटर है कोकन कड़ा, तो हमने सोचा कि चलो शाम ऐसे भी हो गया है, उतरते उतरते हम लोग को ऐसे भी 7 बज जाता, तो हमने सोचा चलो इन लोग के साथ ही एक रात बिताते हैं, फिर मैं आपको भी अच्छा चीज़ आपको मैं भी दिखा देता हूँ ताकि आप भी आओ। लगना चाहिए कि हाँ आया हूँ तो वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना, मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से 1.2 किलोमीटर है तो थोड़ा जल्दी जाऊँ, हालांकि भूख लगी है। तो ऊपर में भाई आपको ये दुकान वकान भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ से कुछ खा पी सकते हो। हाँ थोड़ा सा महंगा होता है पर आप ठीक है। फर्स्ट टाइम टेंट लेके रहने वाला हूँ कोई अनजान शहर में, अपने शहर से दूर पूरा रात के लिए, तो चलो देखता हूँ कि हमारा कैसा रहता है अनुभव और आपके साथ शेयर करता हूँ। रात भर मैं रुकता हूँ टेंट में ही, सुबह वहाँ से निकलता हूँ तो सनसेट देखने के बाद और आपको भी दिखाता हूँ। बोलते बहुत प्यारा सनसेट होता है कोकन गढ़ा का, तो आपको भी मैं दिखाता हूँ। तो चलो मिलते हैं सुबह, और रात में हम लोग कैसे स्टे करते हैं वो भी दिखाता हूँ। टेंट वेंट भी करना है तो जल्दी जाना पड़ेगा। दो दो का एक बना, चार काफी हो जाएगा। तुमको वायरल कर दूंगा मैं, ऐसा मत बोलो। नहीं दादा इधर कल में तो ठंडी लग रहा है। ये देखो आजू बाजू का भी देखो, सनसेट हो रहा है ना तो सूरज तो काफी दूर है तो यहाँ से दिख नहीं रहा, लेकिन आसपास के आप देख सकते हो कि जगह पूरा सा एकदम एक कलर आ गया आसमान में भाई। ये है चारों तरफ की जगह, अभी ठंड भी लग रही, हवा बह रहा है ना, जनवरी का महीना है, ऊपर से मैं बताया माइनस टेम्परेचर, पानी में नहा के निकला हूँ, एक टी शर्ट में हूँ और शॉर्ट्स में हूँ, तो ठंड तो लग रही है। बाकी देखते हैं ऊपर रात में कितना ठंड लगता है वो भी मैं बताऊँगा। बाकी सब जो भी है सब पहली बार ही हो रहा है हमारे साथ, तो भाई मैं पहले से कुछ बता ही नहीं पाऊँगा। देखते हैं जो जो अनुभव होगा वो साथ में शेयर करते हैं और आपको बताता चलता हूँ। और क्या है कि नहीं? बिल्कुल ब्रदर बिल्कुल। कितना टाइम जाएगा और मैगी बनने में? 5 मिनट रुकना ही पड़ेगा। चारों बनाए हो ना मैगी? अरे यार देखो दो दो फ्लाइट एक साथ जा रही है। ओ ये देखो भाई क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे। भाई दो दो फ्लाइट एक साथ ही जा रहा था, तो चार मैगी भैया को दे बनाने के लिए बना रहे। ये रहा भैया का शॉप, ये रहे भैया। अच्छा आपके यहाँ से अगर टेंट चाहिए तो कितने मिल जाती है? 500 रुपये। 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए? 12 घंटे के लिए, सिर्फ रात के लिए ना? रात के लिए। और क्या क्या यहाँ से फैसिलिटी जो लोग उठा सकते हैं आपके यहाँ से? खाना में जैसे क्या क्या? पिटला बकर और चलो पहले मॉर्निंग का बता दो, मॉर्निंग में क्या क्या खा सकते हैं? मैगी पोहा और शाम दोपहर की? दोपहर को मतलब पिटला बकर चाहिए तो पिटला बकर और फुल जेवन सब्जी, चावल और दाल और अच्छा इस टाइप का। और शाम का? शाम का भी वही है, सेम वही। शाम में कितने बजे तक अवेलेबल है आपके पास खाना? मैक्सिमम मतलब कभी भी आ जा, 2400 घंटा यहाँ पे चीजें मिल जाएगी। 12 बजे तक मैक्सिमम, 12 बजे रात तक यहाँ पे खाना मिल जाएगा। बहुत सही है। खाने थाली कितने की? 150 रुपये खाने की मतलब। और ब्रेकफास्ट सुबह के पोहा वाव कितने की? मतलब चाय और पोहा मिला के 50 रुपये। 50 रुपये ना। और जो दोपहर की खाने है उसका थाली 150 रुपये उसका भी 150। थैंक यू सो मच। तो भैया का दुकान यही है भाई, आपको सारा रेट पता ही चल गया है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आके रह सकते हो। चीज़ें वो सब आपके बजट में ही है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है क्योंकि 70-80 रुपये में हर जगह थाली मिलता ही है। अब इतना ऊपर रह रहे तो मिलता, और इतना ऊपर अगर इन्होंने खोला है शॉप क्योंकि उनको कहाँ 3 घंटे नीचे जाके लेना पड़ता है। भाई ये ने बाबा ने मैगी बनाया है, ये देखो ये मैगी हमारी थी, भाई खा रहे हैं। हाँ हाँ चाय बना दो, ब्लैक टी या कौन सा? नहीं दूध वाली, दूध वाली। हाँ
बाबा ने ये मैगी बनाया। पहाड़ों पे मैगी भी पहली बार खा रहा हूँ। ये देखो सामने पहाड़ और ये मैगी का। हम लोग टेंट तो ले रहे हैं 500 में, पर हमें लगाना नहीं आता, फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं चीजें। तो भाई लगा रहे संदीप भाई, और भाई बता रहे हैं कैसे लगाना है। थोड़ा धीरे धीरे प्रेम से ऊपर कर, हाँ कहीं टूट ना जाए। टेंट लगाने का सीख रहे भाई। मैं पक्का कर रहा हूं। अब ये देखो ये ऊके ना, इसमें बैठा ये बैठा हो। और कैसा भी बैठा अभी ऊपर का पकड़ सब ऐसे ही बैठा है। अरे ऐसे बैठा अभी ये बीच का है। ये देखो बीच का है ना, हवा में उड़ेगा? उड़ेगा तो नहीं हवा में? उड़ेगा तो नहीं? नहीं उड़ेगा। हम नीचे सोए, ऊपर से उड़ के चला गया तो ऊपर से नहीं उड़ेगा। और ये देखो ये ऊपर से डालने का, ये देखो ये है ना, हाँ जीप है ना, ये देखो ये ऐसे रखने के। अगर आप लोग को नगे नहीं लगाने आता टेंट तो आप सीख लो। हाँ जिस तरफ जीप है उस तरफ लगा। और वो नीला ऊके ना, और अंदर अंदर बिस्तर है ना, वो चारों तरफ से ऐसे बैठा देने का। समझ गया समझ गया समझ गया। चलो समझ गया। अब फोल्ड कर घुस जाए अंदर की जीभ। हाँ वैसे पहले बाहर का लगाने। समझ गया। ऐसी जगह है और इसमें कैर मैट भी डालने का है। ये देखो भाई कुछ इस तरह से बिस्तर हमारा तैयार होगा। नहीं तो कार लावे तो सर दो पत्ते इसमें कैर मैट डाल के। काका फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना ये सब चीजें। घुसो घुसो घुसो। आपका टेंट पूरा हो गया जाऊंगा तो फिर आप इसका जुर्माना लोगे आप। भाई बैठ गया अंदर। चलो भाई इसको हटा दो चलते हैं। नहीं नहीं पूरा पैक है। गुड मॉर्निंग भाई लोग। गुड मॉर्निंग भाई लोग। हालांकि सुबह हो गई है। सुबह पानी अपने पास पानी है थोड़ा सा होगा चाय के लिए। ये देखो इतना इतना भाई। सुबह के बज चुके हैं सारे, मतलब 6 बज चुके हैं। हम लोग उठ गए थे 4 बजे और आपको रात इतना हो गया था कि टेंट लगाने टेंट आप देख रहे थे कि हम लोग वहीं पे सीख लिया था कैसे लगाना है। केदारेश्वर से कुछ 1.2 किलोमीटर चल के हम लोगों ने टेंट लगाया था। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते पूरा अंधेरा हो गया था, तो हम लोगों ने अंधेरे में ही टेंट लगाया। सुबह खोला भी तो भी अंधेरा था क्योंकि सुबह के 4 बज रहे थे, बिल्कुल ही अंधेरा था। फिर वहाँ से हम लोगों ने ना सनराइज़ के लिए जो बताया था कि आप कौन सा कुंड है, ये कोकन कुंड। तो कोकन कुंड पे आने के बाद जो सनराइज़ देखने का जो मज़ा है, तो फाइनली उस जगह पे पहुंच गए। बहुत ही आसानी रास्ता है केदारेश्वर से। जब जैसे ही आप आओगे ना कोकन कुंड के लिए तो आपको नीचे टेंट लगाने के लिए मिल जाएगा। हालांकि आप चाहो तो और जल्दी आके ऊपर भी स्टे आके कर सकते हो। जैसे भाई देखो, हालांकि हम भाई लोग सब साथ में ही रुके थे नीचे, तो ऊपर से नीचे सब साथ में रुके थे, फिर ऊपर आके भाई वापस से टेंट लगा रहे। हम नहीं लगा रहे हमारा टेंट, ये सब बैग वैग ये रहा कि हमें 1 से 1.5 घंटे में अपना सनराइज़ देख के निकल जाना। भाई लोग थोड़ा रुकेंगे, ये लोग शाम में यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हमें निकलना पड़ेगा मुझे बॉम्बे जाने। ये लोग लोकल है यहीं के, तो इनको तो 2-3 घंटा लगेगा अपने घर तक पहुँचने में। हमें कुछ 6-7 घंटे लगेंगे यहाँ से वापस जाने में। तो कोशिश करेंगे कि सनराइज़ देख के वापस अपन यहाँ से निकल जाए। और अभी कभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कोकन कुंड का। आप देखो भाई ऐसा दिख रहा है कुछ चारों तरफ। कुछ लोग ऊपर भी हैं, आप वहाँ भी लगा सकते हो, पर वहाँ पे ज़्यादा भी है देख सकते हो भाई। ये सामने से सर निकलेगी, यहीं से सनराइज़ बोलते हैं कि सबसे प्यारा सनराइज़ होती है यहाँ की। तो हम लोग कोकन कुंड आ गए सनराइज़ देखने के लिए।
बाकी आप देखो ऐसा कुछ भी हो, चारों तरफ धुंधला ही धुंधला दिख रहा होगा। रास्ते से आया हूँ इस पर्वत मतलब इस कोकनकुंड पहाड़ पे त्रिम्बकेश्वर से। मैं उतरते समय वो आपको रास्ता दिखाऊंगा। बहुत ही मतलब जंगल है, पहाड़ है, जंगल है, पहाड़ है। और यहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने रास्ता को सही तरीके से बना दिया उन्होंने, जिस पे आप चल नहीं सकते। वहाँ पे वही लोहे का सीढ़ी लगा दिया उन्होंने, तो बहुत आसान हो जाता है। केदारेश्वर से यहाँ पर आने के लिए, सनराइज देखने के लिए एक ही रास्ता है, वो आप आराम से फॉलो करके आ जाओगे। एक ही रास्ता जो आपको लेके जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और आप जल्दी आ जाते हो शाम में, अगर जैसे केदारेश्वर 2-3 बजे आप दर्शन कर लिए, 4 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाओगे, तो यहाँ का आप सनसेट भी देख सकते हो। फिर यहीं पर टेंट लगाओ, सो जाओ। और आपको नीचे, लेकिन नीचे रुकते हो तो आपको खाना वाना भी मिल जाता है, 150 रुपये पर थाली भाई बता रहे थे, तो नीचे आपको खाना वाना सब मिल जाता है। हालांकि आपके पास गैस वैस है तो ऊपर आके मैगी वैगी बना के खा सकते हो आप। तो भाई ठीक है, सनराइज़ का वेट करते हैं, फिर आपको उगते हुए सूरज दिखाता हूँ। केदारेश्वर शिव जी के टेम्पल वो ठीक नीचे हमारे उंगली के नीचे, वो सामने सब होटल जो घर दिख रहा होगा, वो रास्ता नीचे नीचे से नीचे नीचे सामने उस चोटी के पास टेंट लगाया था, उस चोटी से हल्का सा नीचे, फिर वहीं पर भी एक होटल उटल है, वहाँ पर भी आपको खाना वाना मिल जाएगा। आप चाहो तो टेंट लगा के यहाँ पर भी खाना लगा सकते हो, और यहाँ से भी शॉर्टकट मार सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोकन कुंड के जो एक कुंड जिसको मैन कुंड बोलते हैं, वो वहाँ पे है नीचे उस पर्वत पे। आप देख रहे हो क्या व्यू हो रखा है, ये देखो कोकन कुंड वहाँ पे है। लेकिन कोकन कुंड हल्का से इस पर्वत पे चढ़ के आओगे ना, जहाँ पे अभी मैं स्टे किया हूँ, तो आपको ये सामने से ना सनराइज अच्छे से दिख जाता है। नहीं तो अगर आप उस पे रहते हो तो फिर ये पर्वत आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, तो फिर आपको दिखता नहीं सही से सनराइज। ये क्या है, यहाँ से पूरा क्लियर है, कुछ नहीं है सामने, पूरा सनराइज ही दिखेगा आपको। और ये देखो सामने का नज़ारा, मतलब लग रहा है पूरा पानी है, लेकिन पूरा फॉग है भाई, पूरा कुहेसा। और वो देखो क्या लाइन, लाली लाइन बन रखी, क्योंकि सन बहुत ऊपर बहुत सन पहले निकल चुका है ना, तो वो सीधा रिफ्लेक्ट करके ना ऐसे वहाँ लेके जा रहा है। भाई देखो कैसे अच्छी लाइन बनी है, भाई लोग चाय बना रहे। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो सूरजवान पूरा लाल लाल दिख रहे हैं, निकलना शुरू हो गई है सूरजवान। और हम लोग हालांकि गोप्रो में उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, पर कोई नहीं, आप देख सकते हो जैसे जैसे उधर सन निकल रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं, वैसे वैसे किधर की लाइन और मतलब हाईलाइट होते जा रहा है। और भाई यहाँ पे फोटो शूट करवा रहे हैं, ये देखो ये टेंट इन्होंने गाड़ लिया है यहाँ पे वापस से, इनका फोटो शूट चल रहा है। और भैया लोग चाय बना रहे हैं, हमारा चाय भी मैक्सिमम रेडी हो ही गया है, तो चाय पियेंगे। देख रहे हो भाई क्या नजारा, ये वाले चाय तो पी लिया है, अब मैगी खा के यहाँ से निकलेंगे, लेके चलता हूँ वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। आओगे यहाँ पे, अबे बननी के या नहीं सभी डाल दे, आ जाओ सब। तो मैगी खाओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत गर्मी है। क्या बोल रही कंपनी, चल रही है, आओ मैगी खा जाओ, अच्छी लिए दूर से खाते लग
जितने भी हमारे बॉटल मैगी के थैली जितने भी थे फालतू चीजें हमने सारे यहाँ पे जला दिए। फेंक के नहीं जाना भाई, जो भी आओगे लगा। तो भाई फाइनली हम दो चार मिनट में कोकनकड़ा पहुँच ही रहे, तो सीधा अभी आप आपको वहीं का दिखाता हूँ। फिलहाल में ये रास्ता इस तरह से जंगल, तो आप देख लो, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप आराम से चल सकते हो। आ जाओ आ जाओ। बहुत ही डेंजर है भाई ये तो। हाँ फाइनली बाहर निकले जंगल से, लगे जंगल अभी और भी है। ये जंगल से अब ये जंगल से निकलना, तो इसी प्रकार के जंगल मिलेंगे। ये देखो पूरा जंगल से घेरा हुआ है, इसके अंदर से रास्ता है पर आपको पता चल जाएगा। वैसे ही दूसरा जंगल ये है, दो चार जंगल मिलेंगे देखो आपको, कुछ इस तरह के भी रास्ते मिलेंगे। पूरा क्लियर दिखाई देता है रास्ता, इसमें भटकने जैसा कुछ है ही नहीं। ये रही हमारे सेना, निकल चुकी है, एक पीछे भी है, तो सीधा आपको अब मैं लेके चलता हूँ कुकनकड़ा, और थोड़ा बहुत जो यहाँ के टफ रास्ते थे वो भी मैं आपको दिखाते चलूंगा। क्या व्यू दिख रहा है देखो भाई, जंगल में भी चलते देखो ऐसे रास्ता है ना, आपको पूरा क्लियर नजर आएगा, तो आप भटक नहीं सकते। देख रहे पूरा क्लियर रास्ता नजर आ रहा है। अगले साल है ना यहां पे इतना मोटा आएंगे। अच्छे जरूर आ जाओ अगले साल बिल्कुल। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए कोकनकड़ा। ये जो जगह है जहाँ पे हमने टेंट लगाए थे, ये सबसे बेस्ट जगह इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ बस्तियाँ भी है, लोग भी रहते हैं, और आपको खाना वाना रात में भूख लगी तो यहाँ से मिल जाता है, इसलिए हमने यहीं पे टेंट लगाया था। और ये रहा कोकनकड़ा, देखो आप कैसा दिखता है। हम लोग अब जा रहे हैं नीचे घर की ओर, और यही रहा कोकनकड़ा। तो जब भी आप आते हो तो टेंट यहीं पे लगाना। फिलहाल में अभी चलते हैं, मिलते हैं आपको फिर से कोई नेक्स्ट ब्लॉग में।